हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रेरी 21 तारीख को जो एग्जाम हुई थी उसमें ऑल शिफ्ट से मैक्स से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लिए, सो प्लीज फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में मैक्स के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये हम देख लेते हैं। यदि 20 कलम का क्रय मूल्य 16 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ था कि 20 कलम का क्रय मूल्य मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 कलम का कॉस्ट प्राइस 16 कलम के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। ये बराबर कर लिया हमने, मतलब 20 कलम का क्रय मूल्य 16 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों बराबर है। यहाँ पर देखो बराबर का साइन है, तो लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है वो परसेंटेज में हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले इस टाइप्स को सवाल को करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है CP-SP, और डिवाइड में जो होता है वो होता है SP और मल्टीप्लाई 100। ये जो 100 होता है ये परसेंटेज में चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में अभी हमें सवाल में क्या गया है कि तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब इस सवाल में कुल मिला के लाभ हुआ है, ताकि हमें बोला भी यही गया है कि लाभ परसेंट हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो CP हमें कितना दिया हुआ है, जैसे CP जो है वो 20 दिया हुआ है, उसके बाद SP कितना दिया हुआ है 16, और डिवाइड में क्या रखना है SP, मतलब क्या 16 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या होगा, लाभ परसेंट हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20-16 बराबर कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पर डिवाइड में क्या होगा 16 और मल्टीप्लाई क्या है 100। तो यहाँ से सिंपली काट लेना है 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 25% का क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर तो हमें पता है कि 25% का लाभ होगा, लेकिन अगर ये पूछता है कि कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, तो हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि लाभ या हानि हुई है। यहाँ पर अगर CP और SP अगर इन दोनों का अंतर अगर माइनस में आता है, मतलब अभी जैसे यहाँ पर क्या है 20 और 16, अभी प्लस में वैल्यू आ रही +4, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 16-20 तो मतलब यहाँ पर वैल्यू का ही में आती, माइनस में आती, और जब वैल्यू माइनस में आएगी तो क्या होगा, हानि होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक परिवार के 40% सदस्यों को आम और 60% को संतरा पसंद है, 15% सदस्यों को दोनों पसंद है, मतलब आम और संतरे दोनों पसंद है, और 6 सदस्यों को इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य है? ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक परिवार के 40% सदस्यों को क्या पसंद है, आम पसंद है, एप्पल पसंद है, कितना है 40% सदस्यों को। उसके बाद ऑरेंज मतलब संतरा कितना पसंद है यहाँ पर 60%। अब नेक्स्ट लाइन में क्या गया है, 15% सदस्यों को दोनों पसंद है, मतलब आम प्लस ऑरेंज मतलब एप्पल प्लस ऑरेंज बराबर 15%, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि और 6 सदस्यों को इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं, मतलब जो 6 सदस्य इनको इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं, तो टोटल कितने व्यक्ति है, मतलब पर्सन कितने, सदस्य कितने, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब ये सारी कंडीशन तो हमें क्या सवाल में दी हुई है। अब इस टाइप के सवाल को हम वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे, ताकि वेन डायग्राम से सोल्व करने पर क्या है कि ईजी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दो वेन डायग्राम बना लेता हूँ मैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये एप्पल का है, और ये सेकंड वाला जो है ये है ऑरेंज का है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है एप्पल प्लस ऑरेंज कितना कितना है, 15% है, तो ये जो भाग है वो क्या है एप्पल का है पूरा, और ये जो ऑरेंज का, अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ यहाँ पर बीच में 15%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब इसमें एप्पल वाले भी आ गए और ऑरेंज वाले भी आ गए, मतलब 15%। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जो पूरा भाग है
मतलब एप्पल वाला 15% वाला, तो यहाँ पर 15% तो ऑलरेडी, और यहाँ पर कितना है 40%, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा 25%। अब देखो यहाँ पर 25 प्लस 15, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ रहा, 40 ही आ रहा। और ये गोला भी कितने का है, 40 का ही है, मतलब एप्पल की वैल्यू क्या है 40% है। उसके बाद ऑरेंज जो है ये 60% है, तो 60 में से अगर 15 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 45%। और इन दोनों का योग करेंगे तो ऑरेंज का कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों पसंद करने वाले तो हमें पता है 15% है, तो पूरा जो पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे 25 और 15 और 45, इन तीनों का योग कर लें तो 25 और 15 कितने होंगे यहाँ पर 40, 40 और 45 कितने होंगे 85%। 85% क्या है, ये पसंद करने वाले हैं, तो ना पसंद मतलब दोनों, ये जो है वो संतरे पसंद, 15% सदस्यों को दोनों पसंद है, तो 6 सदस्यों को इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, मतलब 15% को क्या है दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है यहाँ पर। ताकि अगर टोटल अगर 100% की वैल्यू होगी तो 100 में से अगर 85, तो फिर बचेंगे कितने 15%। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख लेंगे तो ईजी हो जाएगा, तो 15% बराबर कितने 6 व्यक्ति है। ठीक है, 15% बराबर जो है वो 6 व्यक्ति है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 6/15। उसके बाद निकालना क्या है, परिवार के कुल सदस्य, तो परिवार के कुल सदस्य कितने हो गए 100%। तो यहाँ से इसको बस सोल्व करना था, तो 2 3 से 2 बार, 3 5 15, और 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20 मल्टीप्लाई 2 तो कितना होगा 40, तो परिवार के टोटल सदस्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 40। अब यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो रही है, मतलब यहाँ पर जो 40% सदस्यों को आम और 60% को संतरा पसंद है, और 15% सदस्यों को दोनों पसंद है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, जो सभी को जो पसंद है मतलब ऑरेंज और संतरे, उनका टोटल निकाल लिया हमने, कितना आया 85%, मतलब ये सब पसंद है और ये ना पसंद है, मतलब तो अगर 100 में से अगर 85% जो दोनों पसंद करे तो बच्चे कितना 15%, और 15% जो है वो 6 सदस्यों के बराबर है, मतलब 6 सदस्यों को इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, तो 15% बराबर 6 सदस्य, तो 100% बराबर कितने होंगे 40 सदस्य। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, मतलब उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है वो 88 मीटर है। सबसे पहले वृत्त क्या होता है, सर्कल, जैसे ये हो गया एक सर्कल। ठीक है, अब यहां पर जो है इसकी जो परिधि है, मतलब परिधि कितनी दी हुई है हमें, परिधि जो है वो 88 मीटर है, और पूछा क्या है व्यास, मतलब ये जो है वो त्रिज्या होती है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, मतलब पूरा यहां से यहां सब, मतलब 2r की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है यहां पर। अरे व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर जो होता है वो होता है 2r। ठीक है, अब यहां पर मतलब हमें त्रिज्या r मालूम पड़ जाए, तो हम त्रिज्या का डबल क्या होता है व्यास होता है, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यह तो आपको सभी को पता होगा। अब यहां पर उस वृत्त की जो परिधि हमें 88 मीटर दे रखी है, तो परिधि क्या होती है वृत्त की 2πr, परिधि क्या होती है, ये परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr बराबर कितना है 88 मीटर। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 22/7, और मल्टीप्लाई r बराबर 88। ठीक है, अब यहां से हम इनको काटेंगे तो हमें क्या r की वैल्यू पता चल जाएगी, और r की जो वैल्यू होगी उसको हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 22 मल्टीप्लाई 2 44 से कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, पूरे 7 डिवाइड में, तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 मीटर। त्रिज्या हमें पता चल चुकी है 14 मीटर, तो हमें ज्ञात क्या करना है व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, तो व्यास कितना हो जाएगा यहाँ से 14 मल्टीप्लाई 2, तो 28 मीटर। तो यहाँ से व्यास जो होगा वो होगा 28 मीटर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 12% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इस टाइप को क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो सिंपल क्वेश्चन सवाल में जो क्वेश्चन दिया है बस उसको देखना है। सबसे पहले क्या हुआ आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई 30% की, उसके बाद चौड़ाई में क्या हुआ 12% की कमी हो गई, माइनस मतलब कमी और प्लस मतलब वृद्धि।
अब अगर मान लेते हैं कि आयात का जो क्षेत्रफल था वो पहले था 100, अब क्या हुआ, पहले केस में कितना हुआ, 30% की वृद्धि, मतलब कितना हुआ, 130/100, और सेकेंड केस में क्या हुआ, मतलब चौड़ाई में 12% की कमी, मतलब कितना होगा, 88/100। बस यहाँ से हमें इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा कोई डायग्राम नहीं बनाना है, आयत का कोई चित्र नहीं बनाना है कि आयत ऐसा है वैसा है, सिंपली जो क्वेश्चन सिंपल सॉल्व होते हैं उसको सिंपल करने की कोशिश क्या करो, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, उसके बाद 1 0 से 1 0, बस यहाँ पर हम क्या करें, 88 × 13, उसके बाद डिवाइड में 10, बस पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 13 × 104 की कितनी होगी, 4 हासिल कितनी हो जाएगी, 10, उसके बाद 13 का मल्टीप्लाई 8 में, 104 और 10 कितना होगा, 114, और यहाँ पर क्या है, डिवाइड में 10 है, तो एक पॉइंट एक संख्या के आगे कितना है, दशमलव लगा ले, तो कितना आएगा, 114.4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने क्षेत्रफल 100 माना था, और अब कितना हो गया, 114.4, मतलब क्या हुआ है, 14.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 14.4 की वृद्धि हुई, अगर 30% की वृद्धि लंबाई में और चौड़ाई में 12% की कमी करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 14.4% की वृद्धि होगी। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।